एक्सरसाइज नंबर एक, डम्बल साइड रेज। दोस्तों, शोल्डर को चौड़ा करने की यह वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे साइड शोल्डर तेजी से ट्रेन होते हैं। इसमें आप हैवी डम्बल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह आइसोलेशन एक्सरसाइज है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर दो, डम्बल शोल्डर प्रेस। इस एक्सरसाइज को बेंच पर बैठकर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इससे साइड शोल्डर और फ्रंट शोल्डर दोनों ही ट्रेन होते हैं, शोल्डर शेप में आते हैं। इसमें हैवी डम्बल का इस्तेमाल करें। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर तीन, इनक्लाइन डम्बल रिवर्स फ्लाई। इस एक्सरसाइज को इनक्लाइन बेंच पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। यह पोस्टीरियर डेल्ट के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। पोस्टीरियर डेल्ट अच्छे से ग्रो होते हैं। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर चार, डम्बल ओवरहेड एक्सटेंशन। दोस्तों, ट्राइसेप्स को बड़ा करने की यह बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड अच्छे से ट्रेन होता है। इसमें आप हैवी डम्बल का इस्तेमाल करें। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर पाँच, केबल रोप ट्राइसेप पुश डाउन। इस एक्सरसाइज को केबल पुली मशीन पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करें। इसमें एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ अपनी फोरआर्म्स को ही ऊपर और नीचे करें। एल्बो से शोल्डर तक आपका पूरा हाथ लॉक हो। इससे ट्राइसेप्स में अच्छी कटिंग आती है। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रेप्स के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर छः, इनक्लाइन स्कल क्रशर। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को इनक्लाइन बेंच पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करें। इसमें ईजी बार का इस्तेमाल करें। यह ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड मसल के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। लॉन्ग हेड मसल का साइज तेजी से ग्रो होता है। आप इसके 3 सेट 12 से 15 रेप्स के लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।